नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम हेयर विद द न्यू टॉपिक सो लेट्स बिगिन द टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी कंसोलिडेशन एंड हिपो बट इसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मेमोरी कंसोलिडेशन होता क्या है तो मेमोरी कंसोलिडेशन हमारे सेंसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्वेंटी टू थर्टी सेकेंड के लिए स्टोर होती है और टाइम टू टाइम कंसोलिडेट होकर वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है ये मेमोरी कंसोलिडेशन का प्रोसेस है मेमरी कंसॉलिडेशन में एपो का क्या रोल है जैसा कि हमने एच हम केस में पढ़ा था कि जब एच का आ, ब्रेन से हिपो uh, रिमूव हो जाता है तो उसकी जो है मेमोरीज क्रिएट होना बंद हो जाती है तो जो हिपो जो है वो न्यू मेमोरीज क्रिएट करने के लिए करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो क्या इसका मतलब ये है कि मेमरीज uh, स्टोर होती हैं हिपो कैंपस में दैट्स नॉट ट्रू तो उसका क्या रोल है ये क्वेश्चन आता है तो इसके लिए हम जानते हैं कि हिपो का रोल क्या है हिपो का रोल है मेमोरीज को क्रिएट करना जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वो हिपो में क्रिएट होती है कंसोलिडेशन के थ्रू वो हमारे कॉर्टिकल एरियाज में जाती है जब टाइम टू टाइम कंसोलिडेट होकर मेमरीज़ कंसोलिडेट होकर कॉर्टिकल एरियाज़ में जाती है तो वो मेमरीज़ जो है कॉर्टिकल uh, एरियाज में एक दूसरे से कनेक्ट होने लगती हैं जब कंसॉली टाइम टू टाइम कंसोलिडेट होकर सारी मेमरीज हमारी कॉर्टिकल एरियाज में ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो देखिए यहाँ पर सारे कॉर्टिकल एरियाज अब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए जिसका मतलब सारी मेमरीज यहाँ पर स्टोर हो गई है जिसका मतलब हिपो uh, कैम्पस का रोल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और यहाँ कॉर्टिकल एरियाज में हमारी मेमरीज स्टोर हो जाती है न्यू इन्फॉर्मेशन हमारी जो है हिपो के थ्रू आती है और वो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ में स्टोर हो जाती है मल्टी सेंसेस के थ्रू भी हमारे ब्रेन में uh, हमारे ब्रेन के एरियाज में मल्टीपल एरियाज में मेमरीज स्टोर होती है तो जो कंसोलिडेशन है वो वर्क कैसे करता है पहले सेंसेस में जाता है फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से हिपो कैंपस में जाता है जो कंसोलिडेट होकर कॉर्टेक्स एरिया में जाता है और उसके बाद लॉन्ग टर्म एरिया में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है तो आफ्टर कंसोलिडेशन हिपो का रोल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और uh, जब मेमरीज़ डैमेज हो जा मेमरीज़ uh, लॉस हो, हो जाती हैं तो उसकी वजह से एमनीजिया uh, हो जाता है एमनीजिया हो जाता है और उसकी वजह से रेट्रोग्रेट एमनीजिया और एंट्रोग्रेट एमनीजिया भी हो जाता है जिस जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था यहाँ पे ग्रेडेड एमनीजिया वो है जो uh, किसी स्पेसिफिक या किसी इवेंट्स को हम भूल जाते हैं बिफोर ट्रामा जब आपका ब्रेन डैमेज होता है जिसकी वजह से नई इंफॉर्मेशन जो है कंसोलिडेट नहीं हो पाती है और वो लॉस हो जाती है और एमनीजिया होने के कारण क्या है टेम्पोरलॉब और डी का डैमेज होना उसकी वजह से हमारी एमनीजिया जैसी प्रॉब्लम होती हैं और हिपोकैम्पस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ऑन ऑलवेज ऑन नहीं होता है और इसमें चेंजेस ओवर टाइम चेंजेस होते रहते हैं ये एपिसिडिक uh, मेमोरी को सिमेटिक uh, मेमरीज के में ट्रांसफ़र होने के लिए भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है एपिसोडिक मेमोरीज वो होती हैं जो आपकी स्पेसिफ़िक मेमोरीज होती हैं जैसे कि योर फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल और सिमेटिक मेमोरीज होती हैं कि जो आप जानते हैं जो पर्सनल uh, एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं होती है जैसे कि uh, किसी कंट्री के कैपिटल uh, को जानना तो रिमेंबर वर्सेस नोन ये हमारी सीमेटिक मेमोरीज जो होती हैं वो uh, पुरानी मेमोरीज होती हैं जो जिसमें हिपो कैम्पस रिस्पॉन्स नहीं करता है तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये जाना कि हिपो का रोल क्या है आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो आगे और, और कंटेंट कंटें, कॉन्टेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सीखते रहिए घर पे रहिए सुरक्षित रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग